धर्म सूर्य उभरा छात्र उठो चलो सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया संधिकाल इन युगों युगों का अब समीप आया साधना के महापर्व को साथ है लाया सनातन धर्म सूर्य उमरा क्षात्र वीरो उठो चलो सनातन धर्म सूर्य उमरा क्षात्र वीरो उठो चलो, चलो। हिंदू जन जागृति समिति जो काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया काम है आज मुझे कॉन्वेंट के बारे में बताने के लिए कहा है एक कॉन्वेंट अठारह सौ शत, सो शतमान में इंग्लैंड में चालू हुआ उसी समय भारत में मैकाले आया मैकाले ने पंद्रह हजार ब्रिटिश अधिकारियों को भारत घूमने के लिए आदेश दिया क्यों ये भारत की जो संस्कृति है भारत की जो सभ्यता है इसका मूल क्या है इसका बेस क्या है वो पता लगना चाहिए तुम जाके रिपोर्ट लेके आओ तब वो ब्रिटिश अधिकारी भारत का कोने कोने में घुमा घूमकर गुम रिपोर्ट दिया मेकाले को सर भारत की संस्कृति भारत की सभ्यता का मूल है बेस है गुरुकुल और आश्रम मंदिर ये रोके तो हमारी संस्कृति अंग्रेजी संस्कृति भारत में चलाएगा तब मेकाले ने शुरू किया भारत शिक्षणा पद्धति को भारत शिक्षणा व्यवस्था को बदल दिया इंडियन एजुकेशन एक्ट बोल के इंडियन एजुकेशन एक्ट के ऊपर वो कॉन्वेंट शुरू किया उसी समय हमारा भारत में सात लाख बत्तीस हजार गुरुकुल थे ये बंद करना आसान कम नहीं था इसीलिए वो सोचा ये बंद करना हो तो भारत की नेता चाहिए भारत की नेता से ही ये बंद होता है वो समझ के वो समझ के क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था राजा राम मोहन राय को बुलाया और कहा तुम्हारा देश में जो गुरुकुल चल रहा है वो गुरुकुल बंद करना हमारा कॉन्वेंट शुरू करना ऐसा तुम कहे करे तो तुमको तनख्वाह देंगे पगार देंगे सैलरी देंगे दुर्दैव की बात है हमारा नेता हिंदू देश का नेता राजा राम मोहन राय ने गुरुकुल बंद करने के लिए चालू किया उसी के साथ ने गुरु का गुरुकुल जो है आश्रम जो है वो बेकानूनी है कौन गुरुकुल चनाले के लिए दान देता है डोनेशन देता है उसको जेल को भेज देता है इसी उसी तरह गुरुकुलों के गुरुओं को और डोनेशन देने वाला दानियों को जेल को भेजा बहुत अत्याचार किया तब कॉन्वेंट शुरू हुआ गुरु बंद हुआ शिक्षक ज़्यादा हुआ गुरु दक्षिण बंद हुआ डोनेशन प्रारंभ हुआ इसी तरह राजा राम मोहन राय ने कॉन्वेंट के लिए को भारत का कोने कोने में गया और कलकत्ता के पास रहने वाले एक बदवान ग्राम गांव को गया गांव वालों को बुलाया और कहा तुम्हारा बच्चों को कॉन्वेंट को भेजो अरे गांव वाले ने पूछा कॉन्वेंट को भेजे तो क्या मिलता है भाई तब उन्होंने बताया कॉन्वेंट को जाए तो अंग्रेजों से तुम्हारा बच्चे भी बूट पहन सकता है शूट पहन सकता है टाई भी पहन सकता है मैं ये टाई का बारे में बताना चाहता हूँ ये टाई कैसा है हमारा देश में यूरोप में ठंडा हवा ज़्यादा है सर्दी हवा ज़्यादा है वो सर्दी से वहाँ की लोगों को जुकाम बहुत आता है वो जुकाम साफ करने के लिए जो कपड़ा गले में बांधता था वो कपड़ा हमारा देश में टाई बनकर फैशन हो गया है अंग्रेजी वाला क्या क्या करता है वो सभी हमको फैशन हमारा कॉन्वेंट गया वाला बच्चा घर को तो, को आए तो मम्मी कहे तो मम्मी मम्मी को बहुत होता है लेकिन मम्मी का अर्थ क्या है मम्मी का अर्थ क्या है इजित में लाश रखने का डब्बी को मम्मी कहता है लेकिन हमारा भारत की माँ लाश रखने का डब्बा है क्या पापा को डैडी बोलना मम्मी को मम्मी बोला ऐसा बोले तो हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है अंग्रेजी सीख रहा है लेकिन हमारा संस्कृति लूट जा रहा है बच्चे को कॉन्वेंट को भेजे तो माथे पे बिंदिया नहीं रख सकते हाथ में चुड़िया पहन सक, नहीं सकते अरे भाई कुछ भी हो सकता है कपड़े भी नहीं पहने को नहीं दिया तो परवाह नहीं हमारा बच्चा इंग्लिश सीखना अंग्रेजी सीखना इसके लिए मेकालय ने अपना पिता को पत्र लिखता है पिताजी भारत में बदन से ही वो हिंदुस्तानी है लेकिन सिर से वो अंग्रेजी है ये तोड़ने के लिए हम सनातन संस्था हिंदू संस्कृति के बारे में बताना चाहिए घर घर गांव गांव को हम हिंदू संस्कृति के बारे में बताना चाहिए कॉन्वेंट के बारे में बताना चाहिए कॉन्वेंट बोले तो हिंदी में अर्थ होता है अनाथालया अरे हमको माँ है बाप है बहन है भैया है फिर भी हम अनाथालय को जा रहा है ये ठीक है और क्रिश्चियंस का बाइबल में लिखा हुआ एक एक कहानी बताता हूं जो माँ बाप को बेटी पैदा होता है वो बेटी अठारह साल की उम्र होता है उस समय वो अठारह साल की उम्र होने के बाद तक्षण तुरंत शादी करना अगर शादी नहीं हुए तो वर नहीं मिले तो खुद अपने पिता ही उस बेटी को शादी करने के लिए बाइबल कहता है इसके बारे में आप बताना चाहिए यह हमारा कॉन्वेंट जो है हमारा क्रिश्चियन स्कूल है हमारा देश नाश करने के लिए आया है हमारा संस्कृति नाश करने के लिए आया है आठ सौ साल इस्लाम ने हमारा संस्कृति नहीं लूट पाएगा हमारा संपत्ति लूटा हमारा मंदिर तोड़ा लेकिन हमारा संस्कृति लूटने को नहीं हुआ सौ साल एक क्रिश्चियन हमारा देश के ऊपर हमला किया फिर भी वो हमारा संस्कृति लूटने को नहीं दिया इसके कारण है यहाँ हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज थे स्वामी श्रद्धानंद थे स्वामी दयानंद सरस्वती के इसीलिए हमारा संस्कृति लूट ना पाए <laughs> आगे। 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 एक हिंदू कवि है वो कहता है इस्लाम की जंग का नौका इस्लाम की जंग का नौका सात समंदर से आकर भारत में आकर गंगा नदी में डूब गया क्योंकि इधर भारत भगवान का देश था भारत संतों का देश था इसीलिए इस्लाम का काम भारत में नहीं चला क्योंकि यहाँ शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता था काशी की कला जाती थी मथुरा मस्जिद बन जाती थी यदि शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती थी सबकी इतना ही नहीं अल्लाह बेल्ला कोलो तुम्हारा गल्ला बोल के मोर की पक्का पकड़ के दुकान दुकान जाने पड़ता था इसी कारण वो नहीं हुआ हमारा शिवाजी महाराज इस धरती के पैदा हुआ बोल के सुना, सुना हमारा जो परंपरा है वो बहुत पुराना परंपरा है वो आगे बढ़ना चाहिए हम छात्र तेज से लड़ना होगा कॉन्वेंट को भेजना नहीं मदरसा को भेजना नहीं हमारा जो हिंदू संस्कृति स्कूल है हमारा जो हिंदू कल्चर स्कूल है वहाँ हमारा बच्चे को भेजे तो वो भी एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज होता है वो भी एक दिन जीजा माता भी हो सकता है संतों के आशीर्वाद चाहिए ऐसा समितियों का मार्गदर्शन चाहिए तो हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र निश्चित बनाएगा ये मैं प्रमाण करके बोलता हूँ आपको इतना कहते हुए मेरा भाषण समाप्त करने का पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो क्रिश क्रिश्चियन स्कूल जाएगा वो पब को जाएगा जो क्रिश्चियन स्कूल जाएगा वो पब को जाएगा जो कॉन्वेंट को जाएगा वो क्लब को जाएगा जो दोनों को जाएगा वो घर से भाग जाएगा घर से भाग जाएगा जय हिंद जय कर्नाटक। जय तू जय तू हिंदू राष्ट्रम। जय तू जय तू हिंदू राष्ट्रम युग का है अंत निकट आया संधिकाल इन युगों युगों का अब समीप आया साधना के महापर्व को साथ हैलाया सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो चलो